नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। अजनाला में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। बता दें, विधानसभा हल्का राजा सांसी में एक संदिग्ध सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी में सवार होकर आया और पुलिस जिसका पीछा कर रही थी। वहीं जैसे ही इसकी जानकारी डीएसपी को मिली, उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे गांव को घेरने के बाद गांव की तलाशी शुरू की और 3 युवकों को हिरासत में लिया। बठिंडा में मल्टी लेवल कार पार्किंग का मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए की लागत के साथ तैयार की गई मल्टी लेवल कार पार्किंग का ठेका प्राइवेट ठेकेदारों को 25 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से दिया गया, जिसकी वसूली लोगों की गाड़ियां उठाकर की जा रही है। वहीं इस मामले में संबंधित तमाम पार्टियों के नेताओं ने इकट्ठा होकर नगर निगम के मेयर को मांग पत्र सौंपा और नगर निगम कमिश्नर के साथ मुलाकात की और इस पार्किंग के मामले को जल्द सुलझवाने की अपील की। मगरले कई दिनों तो बठिंडा के लोग मैनू टेलीफोन कर रहे सी कि पार्किंग का जिहड़ा मसला है, साडियां शरेआम कारा चक के पार्किंग वाले ले जांदे है बिना इतला दिते। कई थां ते औरतां साडियां भैणां बेचारियां बाजार च आ रही, उन्हां दी गड्डी ले जांदे चक के। सो फिर मैं अरुण जी ने नूं मैं जदों ये मसले बारे पुछया, इन्हां ने मैनू प्रोपर जानकारी दित्ती कि मसला आ है। राजन जी ना गल हुई, समूह कांग्रेसियां ना गल हुई, एमसी साहबाना नाल। सो अज मैं मानसा तो आ रहा सीगा ते मैं कहा क्यों ना आपा कारपोरेशन दा दौरा करिए, मिलिए उन्हां नूं। सो रास्ते च मैं आया, इसे तरह दा माहौल आ नीचे जिथे दीपक ढाबा उत्थे बणिया सी, गड्डी टो करी जांदे सी, उह हजे गड्डी दी चाबी ला के नीचे ही उतरिया सी बंदा ते उहनूं गड्डी उहनां ने टो कर ली। सो कहण दा मतलब कि पार्किंग जिन्हां नूं भी दित्ती है प्राइवेट पार्किंग वाले, ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ फिरोजपुर में सिख समुदाय के 5वें तख्त श्री हजूर साहिब अबचल ने नांदेड़ की देखभाल के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गैर सिख आईएएस अधिकारी अभिजीत राउत को नियुक्त किया है, जिसके रोष में सिख स्टूडेंट फेडरेशन ग्रेवाल की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर को एक मांग पत्र सौंपा और मांग की गई कि गैर सिख प्रशासक को बदलकर पूर्ण सिख प्रशासक को नियुक्त किया जाए। महाराष्ट्र सरकार वालों साढ़े सिखा के 5वें तख्त श्री हजूर साहब अबचल नगर नंदेड़ साहब की धरती से जो एक गैर सिख आईएएस अफसर उतों का प्रशासक उतों का प्रबंधक नियुक्त किया है, वो विरोध वजों जड़िया देश विदेश वसदिया सिख संगत ने उन्होंने भावनावान बड़ी ठेस पहुंची है। असी सरकार ये गल कहनी चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि सरकार ये दसे भी की गल पंजाब हिंदुस्तान के सिख मर गए हैं कि उत्थे एक गैर सिख अफसर प्रबंधक लाया गया। जेकर प्रबंधक लाना ही तो किसी सिख नुमाइंदे उतों के महाराष्ट्र सरकार के नुमाइंदे सिख न किसी ला देंगे, उतों दिन साढ़िया सिख संगत ने उन्होंने ला देंगे, सिखा की सरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अकाल तख्त साहब उन्होंने कोई सरकार आपकी सलाह भेज के उन्होंने को नुमाइंदा मंग ली। सो ये जरा असी सोचते हाँ कि पहला इस सिखा दिया धार्मिक संस्थावान में दखलदाजी देने वास्ते, सिखा के गुरधामा दखलदाजी देने वास्ते जी गंदी पिरत है ये कांग्रेस ने शुरू की है, तो बीजेपी जिहड़ा है हुण शरेआम इहदा फायदा उठा रही है। जबकि हर थां दे उत्ते सिखां दीआं शक्तियों नूं कमजोर करन वास्ते, सिख भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण वास्ते जिहड़ियां सरकारां ने पहलां ने इहनां ने हरियाणे दे विच वी इह कुछ कीता, सानूं इस गल दा खदशा है कि आउण वाले समें दे विच इह बिहार दे विच वी जिहड़ा साडा तख्त है उत्थे वी इस तरहां दा प्रबंधक नियुक्त ला सकदे है, हरियाणे दे विच वी इस तरहां दे इहनां ने कुछ कर विखाया। जहां एक तरफ युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए विदेश जाने को मजबूर है, तो वहीं एक ऐसा ही मामला पंजाब के गुरदासपुर से सामने आया जहां बेहतर भविष्य के लिए 7 जुलाई को अमेरिका गए युवक की मौत हो गई। वहीं जब मौत की खबर परिजनों ने सुनी तो परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने भारत सरकार से न्याय की गुहार लगाई और शव को जल्द से जल्द गांव तक पहुंचाने की गुहार लगाई। ਸਿਲਵਾ ਡੋਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਾ ਡੋਰ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮਸੀਕੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲੈਟਾਂ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਫਲੈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹ ਮਸੀਕੋ ਜੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਸੀਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜੀ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਗੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਭੋਲਾ ਮਾਨਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ। खबर होशियारपुर के नजदीकी गांव शेरगढ़ से है, जहां समय माहौल गर्मा गया जब किसी व्यक्ति को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई और ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया। वहीं ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गांव के एक युवक की करीब 3 महीने पहले शादी हुई थी, जिसके बाद से लड़की के परिजन लगातार लड़के को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद भी मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। मैटर इदा है जी, अज तो 2-3 महीने पहला का मैटर आ। अज पुलिस आई है सवेरे, पहला उन्होंने दुकान से जाके आई है। गुजरां के मुंडे नाल सी, 2 गड्डियां इन्हें नाल सीगियां, प्राइवेट गड्डी सी, गड्डी का नंबर भी नहीं सी। इन्हें पहला पुलिस जो कटिंग मुंडे की दुकान बलबीर की, उत्थे मुंडा जिहड़ा काम करता सी उन्हें जबरदस्ती चक्के लैके आए आ, गड्डी सिट के लगे कुट दे मारदे। जदों भी आउंदा कोई ना कोई कदी पूरी पंचायत नूं बुला लैंदे, उत्थे हमला करदे आ। गुजर 50-100 बंदा इकट्ठा हो जांदा आ, पुलिस दी भी वर्दी पाड़ी आ। उत्थे भी नहीं कोई पुलिस ने एक्शन लिया। आदमपुर थाने अज पुलिस बस कोई ना दसिया ना किसी नूं, इन्नी परमिशन लई आ उत्थों सदर थाने तों, ना किसी सरपंच नूं ना किसी पंच नूं। ब्यास पुलिस आई सी, वो बिल्कुल अपने कानूनी तरीके नाल जो एज पर लॉ बंदा है उहदी कार्रवाई करन आई सी। उन्हां ने सानूं इनफॉर्म भी कीता सी इहदे बारे, पर जदों वो बंदे नूं अरैसट करन गए ते बंदा घरे नहीं मिलिया। इहदे अलावा पिंड वाले सारे इकट्ठे हो गए उत्थे पुछण लई कि मैटर है की है। उस तों बाद सारे थाने गए ते फिर आपां थाने बह के डिस्कस। मुकेरिया के एक निजी अस्पताल में एक महिला ने जुड़वे बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के सामने जमकर रोष प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं महिला के परिजनों ने मामले में पूरी जानकारी दी। मैं सवेरे 4 बजे पेशेंट नूं नाल लैके इत्थे पहुंच चुका सीगा। इन्होंने साडा पेशेंट एडमिट किया, शाम तक उन्होंने एडमिट रखा। पेशेंट नाम रविंदर कौर, लड़की रविंदर कौर है, मेरी साली लगती है, गवली मेरे तो छोटी है, मेरी वाइफ तो छोटी है। ते वो बिल्कुल सही सलामत सी, वीडियो साढ़े कोल आ, बिल्कुल सही सलामत तो उन्होंने आप लैके आए हैं। इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं सही किया, लास्ट ऑपरेशन थिएटर में 6:04 के अंदर लैके गए हैं। 6:04 तो लैके 15-20 मिनट के बच्चा सानू इन्होंने देते कि बच्चे तो सही सलामत है। बाद कहें कि अभी पेशेंट को अं स्टिचिज कर रहे हैं, उस तो बाद तो दे देवे। इन्होंने की किया सानू कहते हूँ वह ब्लड नहीं ठीक हो रहा, ब्लड नहीं रुक रहा। इन्हों तो ब्लड की कोई नस कट्टी गई है, जो कुछ ना कुछ इन्हों तो होया मिसटेक हुई है इन्हों तो, जी ये मन नहीं रहे। तो इन्होंने इन्हों तो ब्लड क्यों नहीं रुकया, इन्हों पहली गल तो इन्हों अपने हाथ के ये केस नहीं लेना चाहिए। जो क्रिटिकल सेगा इन्होंने जो सैल चढ़ाए, इन्हों तो सैल नहीं प्रोपर तरीके ने चढ़े, कुड़ी इन्होंने ओवरहीट कर दिता। कुड़ी इन्नी ज़्यादा बीमार हो गई, 103-104-105-106 तो बुखार चल गया वह। फिर इन्होंने उन्होंने बुखार को डाउन करने वास्ते 1 घंटा लगा। इन्हों जिदे कुड़ी का बुखार नॉर्मल होया, फटाफट ऑपरेशन थिएटर कुड़ी लै गए 6:04 के उत्ते। जे थोड़े हाथ निकल चुका है केस जो हाथ पास नहीं तुम ना लेंगे, तुम क्यों अपने एक्सैप्ट किया कि अं करा। बस यही है मेरे कि अं चाहते कि साढ़े जो बच्चे जो निक निके बच्चे पैदा किए ना, उन्हें 2 गुड़ियां पैदा हुई है, उन्होंने इंसाफ मिल जाए। अं कहने भी उन्होंने हक के लिए अं लड़ रहे हैं। बहुत हाई रिस्क पेशेंट सीगा, ट्विन प्रेगनेंसी सी और प्लेटलेट काउंट बहुत घट सके। IVF पेशेंट सीगा जिदा एमरजेंसी ऑपरेशन करना पिया क्योंकि उन्हों दर्दा शुरू हो गई सी और ब्लीडिंग हो रही थी। उन्होंने दसिया होया सीगा कि उन्होंने सैल बहुत घट है और सैल चढ़ाए भी गए सी, पर पेशेंट नूं सेल दे नाल रिएक्शन होने करके बुखार हो गया और दर्दां शुरू हो गईं, जिस करके एमरजेंसी च ऑपरेशन करना पे। ऑपरेशन तो बाद पेशेंट दी जिद्दां नॉर्मल ब्लीडिंग हुंदी है उस तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही सी। उन्हों काफ़ी ज़्यादा टीके वगैरह लगा के कंट्रोल करिया, पेशेंट नूं काफ़ी ब्लड भी चढ़े, 6 यूनिट ब्लड दे चढ़े, पर उहदी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही सी और पेशेंट का BP घट रहा सी। फिर अटेंडेंट्स नूं इह गल समझाई ते उन्हां तों यूट्रस रिमूव करन दे लई कि जित्थों ब्लीडिंग हो रही है उह करिया जाए। फिर असी यूट्रस भी रिमूव करिया, पर उसके बावजूद भी पेशेंट हर जगह तो ब्लीड कर रहा सीगा, उदी ब्लड नहीं बंद हो रही सी। फिर एक FFP हुंदी है, वह भी चढ़ाए गए कि खून क्लॉट होए, पर उदा खून किते भी क्लॉट नहीं हो रहा सीगा। इत्थों तक कि जिथे असी IV फ्लूइड लगाने दे लई कैनूला लगा रहे सी, उत्थों भी पेशेंट का खून 1 घंटे दे लई बंद नहीं हो।
कपूरथला में रहने वाले एक लड़कियों के साथ एजेंटों ने धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। एजेंटों ने बड़े देश और मोटी तनख्वाह का सपना दिखाकर इराक ले गए और उसे बेचकर उसका पासपोर्ट छीन लिया। बता दें, इराक में उससे काम करवाया जाता है और उनकी रिहाई के लिए उनके परिवार से लाखों रुपए मांगे जाते हैं। जिसके बाद संत सीचवाला ने ये मामला विदेश मंत्रालय और वहां मौजूद भारतीय दूतावास में उठाया। इराक में फंसी दो लड़कियों को भारत वापस लाने में सफल रहे। हां जी सेम जिदा मासी नाल किता है उदे मेरे नाल कर दे साडनु ने कुटिया पर नाल दियां कुड़ियां नु कुटदे वी सी उना दे कपड़े उतार के उना नु मारदे सी जे कोई काम ते नहीं सी जांदा ते। हां जी बहुत ज्यादा वापस मम्मी डैडी बाबा जी कोल आए फिर उना ने हेल्प कीती फिर उना ने मैसी वालियां नु कंप्लेंट कीती फिर सानू वापस भेजिया। बहुत ज्यादियां कुड़ियां हो रहा। हां जी मच्छर कंपनी दा नाम है। सानू मीरा ने बुलाया सीगा। मीरा कहंदी भी तुहानू मैं होम गम लैके जाऊंगी। ते मीरा ने इत्थे दुबई जाके सानू मतलब भी कहंदी जदों असीं दुबई आए होए आ कहंदी तुसीं इह टिकटां पाड़ दो। असीं टिकटां पाड़ के ते मतलब बाथरूम दे विच मतलब भी सुट्टियां। ते इत्थों सानू कहंदी मैं तुहानू टिकटां सेंड करदी। उहने सानू टिकटां सेंड कीतियां ते उहने कहा सी होम गम दा ते मंगा उहने सानू लिया उत्थे सुलेमानिया दे विच। जदों असीं सुलेमानिया च एयरपोर्ट ते गए ते ओ मतलब कहिंदे आ उहनां सातों पासपोर्ट खोले असीं जदों गए आ। असीं कहा वी साडे सर पासपोर्ट दे दो। ओ कहिंदे वी पासपोर्ट नहीं देणे कंपनी वाले आउणगे। जदों मतलब कंपनी वाले आए ते ओ सानू लै गए आ। असीं उहनूं कहा सर साडे पासपोर्ट। कहिंदा पासपोर्ट इंज नहीं देणेगे वी कंपनी च जा के देवांगे। सानू नहीं इस गल दा पता मतलब वी सानू उहने वेच दित्ता मीरा ने। जदों सानू असीं उत्थे कुड़ियां कोले गए कुड़ियां कहिंदियां वी तुहाडे पासपोर्ट असीं कहा कंपनी च आ। कुड़ियां ने सानू कहा भी तुसीं इदां किस तरह आई आ मतलब मेरी भतीजी लगती है लागू जिन्ने सानू सद्या सी भी 70-70 हज़ार रुपया साथों लिया सीगा। ते असीं फिर सानू ओह कहिंदे भी तुसीं काम ते जाणा। असीं कहा भी असीं हाँ काम ते असीं जावांगे जरूर। ते काम ते जदों सानू लगे ते इदां करके मतलब भी कस्टमर बैठे आ ते कस्टमर ओह कहिंदे भी सानू पसंद आ। जदों लै गए उत्थे जाके सानू गलत काम ते लाउंदे सीगे पुठे कम्मां ते असीं ओह काम नहीं सी करना चाहुंदे। दो लड़कियां इराक तो वापस आई हैं। ये तकरीबन इन्हों एजेंट जोड़ा है वो एक होंगकोंग एक हॉलैंड का दारा ला के लैके गए पर उत्थे इन्हों जोड़ा है इराक दे विच रखिया। इन्हें दस्या कि इन्हें को धक्के नाल भी काम करवाउंदे सी। सो जे वापस मंगाउण दा 10-12 लाख रुपया मंगते सी। सो परिवार गरीब होने करके जो उन्होंने साढ़े तक पहुँच की असी अंबैसी जोड़ा है वो कंटैक्ट किया तो अंबैसी ने 20 दिन के अंदर अंदर इन दो लड़कियों वापस लिया। सो जिथे असी विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करते हैं उत्थे असी उन्हां मां बाप नूं उन्हां परिवारां नूं कहना चाहते हैं कि जिस तरीके दे नाल गुमराह करके एजेंट विदेशों के जाचा दे के लै जाते इतने कुछ होर बोलते अगे जाके बदल जाते हैं। जिस तरह का शोषण इन लड़कियों का बाहर होंदा उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। चलो पैसा वास्ते तो हर कोई दौड़ता पर जे ठग ट्रैवल एजेंटा दे धक्के चढ़ के जिहड़ा असीं विदेशां नूं जाने सानूं अपनियां लड़कियां नूं। कपूरथला में सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी की मार के बाद अब एक और खतरा नजर आ रहा है। बता दें, बारिश के बाद पानी से बाढ़ग्रस्त इलाकों में खतरनाक मच्छरों का खतरा फैल गया है जिससे लोगों को डेंगू और मलेरिया का डर सताने लगा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टरों का कहना है कि इस कठिन समय में लोग हमसे संपर्क कर स्वास्थ्य जुड़े रहें और कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे में अगर किसी को डेंगू जैसी बीमारी का संदेह हो तो वे तुरंत चिकित्सीय सहायता ले सकते हैं और इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में संपर्क करें। मैं निर्मल सिंह पिंड शेरपुर सद्दा तुहानूं दसना चाहुंदा कि सारे जिहड़े पिंड आ साडे लगभग जदों इह जिहड़ा गिद्दे पिंडी दे लागे मढ़ाले लागे बंन टुट्टा इह सारा पानी जिहड़ा आ इधरले 20-25 पिंड उस टाइम प्रभावित होए और इस पानी ने जिथे साडा फसलां तबाह कीतियां जानी ते माली नुकसान किया उत्थे हुण इही पानी जिहड़ा आ भावें कुछ लथ चुका पर बहुत थावां ते नीवें पानी जिहड़े थावां ते खड़ा होण करके मच्छर जिहड़ा पैदा हो रहा उहदे नाल बहुत सारियां जिहड़ियां बीमारियां डेंगू जां अखां दा फलू इदां दा
होर बहुत सारिया बीमारियां जिहड़ियां उह लोक पीड़ित आ, पर इत्थे प्रशासन जिहड़ा आ उह शायद कुंभकर्ण दी नीत सुत्ता आ। कोई भी कितें जमीन हकीकत उन्हां दा कोई भी, क्योंकि चाहीदा तां इह सीगा कि जिहड़े पहले ही हड़ मरे लोग आ इन्हां नूं कोई डाक्टरी हैल्थ सहूलत जिहड़ी उह हर पिंड दे विच घट्टो घट्ट इन्हां नूं कैंप ला के जां होर जानकारी दे। सब तो पहला तो मैं आप जी का इतने पहुंचने से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आप हड़ पीड़ित इलाके आके साड़ी खबर सार लई। आप जी का इतने पहुंचने सारे वीर पत्रकारों का मैं धन्यवाद करता, आप जी का भी करदा जिहड़े पहला भी इतने पहुँच के गए, आप जी की टीम भी पहुंची आ। इस तरह भी जी भी जो पहला फसलों का नुकसान तो जो काफ़ी हो ही चुका वा, हूँ यह जिस तरह पानी है जो ब्यास दरिया दे लगातार चल रहा वो अजे घटन का ना नहीं लै रहा, पानी उस तरह ही चल रहा वा। कुछ एरिया वा जिस तरह इधर सरूवाल भरों सेख मांगा सतलुज का कंडा वा इधर पानी कुछ घटिया, पर घटने के बावजूद अजे भी जोड़ा दो ढाई फुट पानी खेतों के खड़ा वा। हूँ तो यह है कि जोड़े साढ़े बच्चे आ साडा जीवन आ वो सही रह जाए, क्योंकि मक्खी मच्छर इन्ना ज़्यादा फैल चुका वा कि रात को जे बत्ती का कोई कट लग भी जाता घंटा खंड तो बच्चे जोड़े वो चीका मारते सौंदे नहीं गा। पर मेरी एक हाथ जोड़ के प्रशासन को बेनती है, जिते जिते मेरे महकमे के वीर इस नाल संबंधित सुनते हों उन्हां नूं बेनती है कि जिस तरह सुल्तानपुर लोधी दे विच कोई मशीन वगैरह मच्छर तो सवेरे एक दो चक्कर लाउंदी, इस तरह ये नहीं भी एक अद्धे पिंड जिन्हें भी हड़ पीड़ित इलाका वा जिस तरह सरूवाल सेख मंगा भरोंवाणा आली कलां आली खुरद हुसैनपुर बूले बाऊपुर मांडे एरिया जिन्ना भी पै ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਫਲੱਡ ਆ ਗਏ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਊਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀਆਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪੱਠੇ ਜਾਂ ਪਸੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਲੈਟ ਘਟਣ ਦਾ ਖੂਨ ਖਾ ਨਿਕਲਣ ਉਲਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ ਦੋ ਚਾਰ ਡਾਵਾ ਡਾਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ ਇਹ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਲੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਮਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕਬਾਤਰਾਂ ਪੰਚਰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖਾਦੀ ਕਰ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਰਵੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੇਂਗੂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਬਾ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਸੈਰ ਦਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜੰਦਾ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਈਏ। लुधियाना में एक अहम कार्यक्रम में बॉलीवुड और पॉलीवुड की धूम मच गई है। बता दें बॉलीवुड स्टार राहुल रॉय मिस इंडिया 2023 ऋषिता राणा और पंजाबी फिल्म एक्टर के साथ सिंगर निशा बानो लुधियाना पहुंची जहां उन्होंने लोगों से बातचीत कर अपना नया गाना लॉन्च किया। बता दें इस लॉन्च इवेंट में गाने को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म में देने वाले राहुल रॉय भी मौजूद रहे। एंड विक्की राणा जी ने भी बहुत अच्छी इच एक्टिंग की है तो मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जाके लाइक मैम का नेचर बहुत अच्छा लगता ही नहीं कि मेरे तो बड़े है या कुछ है लगता सिस्टर वाइज काम कर रहे मेरी वड्डी भैन वांगू तो मैंने बहुत अच्छा रहा ये जड़ा साडा शूटिंग का टाइम सीगा वो पूरा फैमिली वांगू निकलिया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं पार्टी सानू अपकमिंग जो हैगे है साडे वो पता लग जाएंगे थोड़ी देर च सर देखो अगर मैं चांस मिलेगा तो मैं जाऊँगी ओबियसली बट एक कहते ना अपनी कंफर्ट के हिसाब ना लाइक बॉलीवुड च मे बी मैं नहीं जावा बॉलीवुड च तो मैं जरूर ट्राई लाइक हूने मतलब क्लोज कहते आप दसांगे सारे नूं कि की हूने अनाउंस करांगे कि की
ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਤਾ ਚੌਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵਾਂਗੂ ਆ ਸਨਮ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾ ਮਾਨੂ ਮੈਮ ਦਾ ਸੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਟਿਸਟ ਨਿਸ਼ਾ ਮੈਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੌਂਗ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸਸਪੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾਓਗੇ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੌਂਗ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ महेंद्रगढ़ में आजाद चौक पर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर चांदी की अंगूठी लेने आए एक युवक ने दुकान में रखे सोने पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चोरी किए गए सामान की कीमत लाखों रुपए की है। वहीं ये चोरी का मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को मामले की सूचना दी। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जाँच शुरू की। मेरा नाम मोहित सोनी है। कल हमारी दुकान पे एक बंदा आया जिसने अपना फेस कैप लगा के कवर किया हुआ था। उसने एक दो सामान देखा तो सामान उसने ले चुका था, पैसे पेमेंट उसने कर दी थी। फिर जाते टाइम उसने इस काउंटर से सामान देखने के लिए देखा और फिर बाद में डब्बी उठा के चला गया। मेरे पापा बैठे हुए थे दुकान पे और मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि जो मेरा सामान जो गया है वो जल्दी जल्दी दिलवाने का कृपा करें। और ये पता चला है जब हमने चेकिंग की जब चौक वाला जो कैमरा है वो बंद है, आजाद चौक का कैमरा। हाँ जी, ताकि ये कल को अगर कोई और घटना हो तो उसमें कम से कम कवर हो, तो इसलिए ये वाले कैमरे भी जो शहर में जितने कैमरे हैं सारे अगर सारे सही चल रहे हो तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कितने का सामान गए आपका? ये सामान कल करीबन 17 से 18 ग्राम सोने का सामान मान जरूरी। मानसा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हुए नुकसान के मुआवजे को लेकर पंजाब कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इस धरने में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए और धरनाकारियों ने पंजाब सरकार से बाढ़ग्रस्त लोगों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। गांव में मेघनवास की नहर के पास बिजली कर्मचारियों पर लाठी डंडों से हमला किया गया और आरोपियों ने कर्मचारियों पर फायर किए, कई राउंड भी फायर मारे, जिसके बाद आरोपी बिजली कर्मचारियों से 80,000 छीन कर फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसमें रमेश के नाम पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपियों को कल तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए। जो प्रयोग की गई स्कॉर्पियो थी वो भी बरामद कर ली है और बाकी बचे हुए। मोगा में किसी वारदात की नाकाम कोशिश को अंजाम देकर भाग रहे दो मोटरसाइकिल सवार किसी अज्ञात वाहन से टकरा गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आसपास के लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजाने की कोशिश की। वहीं चोर पीछा छुड़ाकर भागने लगे, जिसके बाद चोरों को पकड़कर उनकी तलाशी ली गई और उनके पास से दो रिवॉल्वर बरामद किए गए और आरोपियों को पुलिस के हवाले किया गया। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਲਾ ਕਵਾੜਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਪਿੰਡਰਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਤਲਾਸੀ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀਗੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਾਤੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਸਿਖਾ ਤੋਂ ਧਰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅੰਬਰਸਰ ਰੋਡ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਵੱਜੀ ਸਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜੀ ਲਵਾਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਮੁੰਡੇ ਦਵਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹ ਨੂੰ ਲਵਾਰਾ ਚੌਂਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਟ ਫੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਪਟੋਲ नवाशहर के गांव झगड़ा में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला जहां 1.5 साल की बच्ची पानी की बाल्टी में डूब गई और बच्ची की मौत हो गई। वहीं बच्ची के दादा ने जानकारी देते हुए बताया कि वो लगभग 15 मिनट पहले साथ खेल रही थी और नजर हटते ही वो पानी की बाल्टी के पास पहुंच गई और गिर गई। जब तक उसकी माँ को पता चला तब तक उसकी मौत हो गई। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲਈ ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਚਾਹ ਪੀਏ ਚਾਹ ਪੀਣ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਪਾ ਗੱਡੀ ਲੈਂ ਪਾਪਾ ਗੱਡੀ ਲੈਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੜੇ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰ ਡੁੱਬਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਔਰ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬਹੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਹੂ ਆਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਡੈਡੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਦ ਮਿਲੀ ਆ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੂ ਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਅਬੂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ संगरूर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने बुरे तत्वों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए कार्रवाई की और 3 चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें पुलिस ने चोरों के पास से 4 मोबाइल फोन 2 मोटरसाइकिल बरामद की। बताया जा रहा है कि चोरों पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਆਪਕੀ ਅਨਸਰਮ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਕੋਈ ਲਾਅ ਲੈਸਨੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਅ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।